मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको उपभोक्ता विनिमय वितरण इसका फाउंडेशन किस तरह की इकोनॉमी में एक सर्किल फ्लो बनता है और आर्थिक क्रिया संपन्न होती है रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताया कि उत्पादन के साधन अपनी सेवाओं को बेचते हैं और वो सेवाएं दूसर को बेची जाती है, उनके बदले प्रोड्यूसर उनको प्रतिफल देता है सेवाओं के तौर पर, जैसे श्रम को मजदूरी के तौर पर, पूंजी को ब्याज के तौर पर, भूमि को लगान के तौर पर और उद्यमी को साहसी के तौर पर। वो जो प्रतिफल प्राप्त होता है उस प्रतिफल से उत्पादन के साधन जो उपभोक्ता है वो बाजार में अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु सेवाओं की मांग करते हैं और उस एक्सपेंस के बदले, उस व्यय के बदले उपभोक्ताओं को बाजार से वस्तु सेवाएं मिलती है जिनका उपभोग करके उस संतुष्टि को प्राप्त करता है। फिर उसके बाद वो जो एक्सपेंस है वो प्रोड्यूसर के पास वस्तु सेवा खरीदने में होता है। इस प्रकार से ये क्रम लगातार चलता रहता है और एक सर्किल को बन जाता है, इकोनॉमी की एक्टिविटी होती रहती है। ये सारा जो संगठनात्मक स्वरूप है ये इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। तो उसमें बेसिकली जो हमने बातें की है, जिसमें उपभोक्ता के बारे में बात की है, अपने उत्पादक के बारे में बात की है, विनिमय के बारे में बात की है, वितरण के बारे में बात की है, उनका आपस में क्या पेशन इकोनॉमी बनता है, किस तरीके से वो एक दूसरे के लिए बिहेव करते हैं, वो चीज को समझने की कोशिश हमने पिछले वीडियो में की। देखिए छात्रों, आज का जो हमारा विषय है, आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइस मैकेनिज्म कीमत यंत्रवाद की क्रियाविधि को समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, और थोड़ा सा टेक्निकल है वो, उसमें टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, आपके लिए नया कंसेप्ट है, हो सकता है आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम में समझ नहीं भी आए, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी, और यदि आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा था कमेंट बॉक्स में लिखकर आप समस्या का समाधान भी पूछ सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में प्राइस मैकेनिज्म यंत्रवाद की जो एक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर बाजार के अंदर किस प्रकार से हम किसी वस्तु सेवा की क्या कीमत निर्धारित करते हैं और कितनी मांग मात्रा उसकी बाजार में मांगी जाती है, और उसके बीच में फिर इक्विलिब्रियम की जो बात की गई है, जो संतुलन की जो बात की गई है, वो संतुलन कैसे होता है, उस चीज को आप इस वीडियो में समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आप इस रेखा चित्र के माध्यम से देखिए यंत्रवाद प्राइस मैकेनिज्म। देखिए छात्रों, ये जो लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ की है, ये आपको समझना होगा कि लाइन ड्रॉ करने का इस तरह की प्रकृति हो कैसे। तो सबसे पहले तो ग्रामीण कक्षा में मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है और मैथमेटिक्स में आपने ग्राफ का अध्ययन किया। आपको ग्रामीण कक्षा में बताया गया होगा ग्राफ भी चार भाग होते हैं। ग्राफ हम पढ़ते हैं, इस ग्राफ में चार पार्ट होते हैं। इस वाले पार्ट में दोनों चर प्लस प्लस क्या है, आपके सामने बताया होगा आपको कि इधर एक्स लेता है, इधर एक्स डैश लेता है, इधर वाई लेता है, इधर वाई डैश लेता है, ये प्रकृति में पड़ी हुई। इसका मतलब है यहां एक्स चर जो है वो भी पॉजिटिव है और जो वाई चर है वो भी पॉजिटिव है। इस वाले ब्लॉक में वाई चर पॉजिटिव है, एक्स चर नेगेटिव है, इसमें हम लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। इस वाले ब्लॉक में एक्स चर भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, वाई चर भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है इस ब्लॉक में। इस वाले ब्लॉक में एक्स चर पॉजिटिव है और वाई चर नेगेटिव है। तो ये प्रकृति हमने प्रारंभिक जो मैथमेटिक्स आपका सेकेंडरी लेवल का, नाइन्थ लेवल का, उसमें हमने इसको पढ़ा है। ये जो पॉइंट होता है बीच वाला, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, ओ ऑरिजिन मूल बिंदु। यहां दोनों चरों की जो वैल्यू है इस ओ पर वो जीरो होती है। इधर अगर हम बढ़ते हैं तो एक्स चर की वैल्यू बढ़ती है, इधर हम बढ़ते हैं वाई चर की वैल्यू बढ़ती है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में ज्यादातर जो डायग्राम बनेंगे, ज्यादातर जो ग्राफ हम बनाएंगे, ज्यादातर जो हम बनाएंगे वो इस वाले ब्लॉक में बनते हैं प्लस प्लस। ये ब्लॉक जो मैंने लिया है, ये
ये दोनों कर्व का प्लस प्लस है, ये आपका x अक्ष हो गया, जो पैरेलल है लंबवत जो क्षितिज बनाया गया है ये x अक्ष कहलाता है, और जो वर्टिकल है लंबवत वो y अक्ष। इधर हम इस अक्ष वाले कॉनिक्स के दो चरों को निर्धारित करेंगे, तो यहां हम क्वांटिटी लेते हैं मान मात्रा, मान मात्रा, मान मात्रा, और इस अक्ष पर हम कीमत लेते हैं, कीमत प्राइस पी। वाई एक्स में हमने पी को लिया है, एक्स एक्स में हमने क्वांटिटी को लिया है मान मात्रा को। यहां पी जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कॉमिक्स में, देखिए एक होता है आश्रित चर, एक होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर की जो प्रकृति होती है वो होती है अपने खुद के स्वभाव से बदलता है, उसमें जो चेंज आता है वो फ्री होता है, फ्रीडम होता है, वो अपने हिसाब से बदलता है। और उसके बदलने से यदि किसी दूसरे चर के स्वभाव में बदलाव आए, उसमें प्रभाव आए, तो वो होता है उसका डिपेंड वेरिएबल आश्रित चर। हमने बाजार में देखा होगा बहुत सारी घटनाएं, क्योंकि हम आर्थिक प्राणी है, समाज में रहते हैं, इकोनॉमी में रहते हैं, तो हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। क्या बाजार में जाते हैं, बाजार में आप जाकर आप वस्तु का मूल्य देखते हैं, मूल्य के हिसाब से मात्राएं खरीदते हैं, आप चाहे सब्जी लेने जाए या कपड़े लेने जाए या फिर वस्तु खरीदने जाए, जिसका प्राइस ज्यादा होता है बाजार के अंदर उस वस्तु को हम कम खरीदने की कोशिश करते हैं, और जिसका प्राइस कम होता है उस वस्तु को ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। ये हमारा स्वभाव है, मतलब हमारा जो मानवीय व्यवहार है वो इस प्रकार से काम करता है। अब हम यहां जो मैं चर की बात कर रहा हूं, पहले आप ये समझ लीजिएगा चर का मतलब होता है कि ऐसा एस्पेक्ट या ऐसा घटना जो परिवर्तनशील है, जो बदल जाता है, जिसका स्वभाव बदलने का है वो चर कहलाता है, और जिसका स्वभाव बदलने का नहीं है वो हमेशा जड़ रहता है, स्थिर रहता है, वो अचर कहलाता है। एक कॉन्स्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। कॉन्स्टेंट का मान हमेशा स्थिर रहता है, वेरिएबल जो होता है चर उसका मान हमेशा बदलता है। तो यहां चर का मान बदल रहा है, जैसे प्राइस है, प्राइस वेरिएबल, प्राइस कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी और ज्यादा कम हो जाता है, उसमें चेंज आता रहता है। इसी प्रकार मान मात्रा है, ये भी चर है, कभी हम मान मात्रा ज्यादा मांग लेते हैं, कभी कम मांग लेते हैं, तो ये भी बदल रहा है। हमारी इनकम है, आय हमारी बढ़ जाती है, घट जाती है, हमारी बचते हैं, बचते हमारी कभी बढ़ जाती है, घट जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पीरियड ऑफ टाइम इनका स्वभाव बदल जाता है। इन्वेस्टमेंट है हमारा निवेश, हम वस्तु सेवाओं पर जो व्यय करते हैं, खर्चा करते हैं, वो भी बदल जाता है। तो इस प्रकार की प्रकृति निवेश ले लीजिए आप, पूंजी स्टॉक ले लीजिए आप, आय ले लीजिए, कीमत है आपकी, मांग मात्रा है, पूर्ति है, ये सब वेरिएबल है, चर है, जिनके मान बदलते रहते हैं वो चर होते हैं, और जिनके मान कॉन्स्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, वो आपके अचल पद। जैसे आप नंबर की बात करेंगे, 2, 5, 10, 8, 15, 20 जो भी नंबर है वो सारे नंबर कॉन्स्टेंट में आते हैं, और जो नंबर में भी आते हैं जिनका मान बदल जाता है वो वेरिएबल रहता है। तो यहां मैं दो वेरिएबल की बात कर रहा हूं आपके सामने, एक वेरिएबल मैंने लिया है मान मात्रा, क्वांटिटी इसको बोला है, दूसरा वेरिएबल मैंने लिया है प्राइस, ठीक है, दोनों बदल रहे हैं, दोनों चर है। एक्स एक्स पर तो हमने मान मात्रा को ले लिया, क्वांटिटी को ले लिया, और वाई एक्स एक्स को ले लिया, प्राइस को ले लिया। अब इसमें दो रेखाएं मैंने ड्रॉ की, ये वाली रेखा जो है डीडी जो रेखा इस क्षेत्र के अंदर, ये है मांग वक्र, डिमांड कर्व, और ये जो एसएस रेखा है इसको बोला गया पूर्ति वक्र। इन दोनों का अपना बिहेव है, हमेशा डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप पर काम करता है, इसका बिहेव जो है वो नेगेटिव बनता है। मांग मात्रा की जो प्रकृति है, मांग वक्र की जो स्थिति बनती है वो नेगेटिव स्लोप की है, ऊपर से नीचे आती है, और जो सप्लाई कर रहा है पूर्ति वक्र है उसकी जो नेचर है वो है पॉजिटिव स्लोप पर। मैथमेटिक्स में आपने दो प्रकार के स्लोप पढ़े होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब दो चरों के बीच में संबंध विपरीत होता है, उल्टा होता है, एक चर बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा और दूसरा घटेगा तो बढ़ जाएगा, इस प्रकार रिलेशन बनता है, तो वो नेगेटिव स्लोप कहलाता है। दो चरों के बीच में नेगेटिव स्लोप बनता है, जैसे प्राइस और डिमांड का करते हैं,
जब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस जब अप होता है मार्केट के अंदर तो उस वस्तु की डिमांड ज्यादा ही कम हो जाती है। आज गोल्ड है वो काफी ऊपर जा रहा है, आज गोल्ड पहले की तुलना में जो उसका भाव ग्राम में आ रहा है वो 60-65 हजार के आसपास पहुंच रहा है। तो जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता जा रहा है तो मार्केट के अंदर गोल्ड की जो क्वांटिटी है मांग बढ़ रहा है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, उल्टा संबंध बन रहा है। सप्लाई में जस्ट उल्टा होता है, जो डिमांड साइड है ये कंज्यूमर साइड होती है, उपभोक्ता का पक्ष होता है। उपभोक्ता का मतलब जो वस्तु सेवाओं का खुद उपभोग कर रहा है, उपभोक्ता का भी होता है वो कम से कम देना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है। तो जब किसी वस्तु की प्राइस बहुत ज्यादा होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की डिमांड कम कर पाया, और जो सप्लाई साइड है प्रोड्यूसर साइड है वो उत्पादक की तरफ से है, उत्पादक का भी होता है कि वो कम लागत पर ज्यादा प्रोडक्शन देना चाहता है। जब बाजार में किसी पदार्थ का उसको प्राइस मिलने लगता है तो वो ज्यादा पदार्थ बेचना चाहता है। जैसे पदार्थ का प्राइस बढ़ेगा मार्केट के अंदर वैसे ही सप्लाई साइड से प्रोड्यूसर साइड से उसकी सप्लाई बढ़ने लग जाती है, उनका जो बिहेव है वो पॉजिटिव है, वो सीधा संबंध काम कर रहे हैं। जैसे मैं दोनों रेखाओं को अलग अलग करके आपको समझाऊं, यहां पर जैसे देखिए ये हमने डील लिया है, इधर क्वांटिटी है अंडर प्राइस, किसी वस्तु का प्राइस ये है कुछ भी है 5 रुपए, उसका क्वांटिटी 10 है। अब यदि इस वस्तु का प्राइस बढ़कर 10 हो जाता है, बढ़ गया है 5 से 10 हो गया तो क्वांटिटी स्वतः का होकर 7 हो जाएगा। इसका जो डिमांड करता बिहार में आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और सप्लाई की अब जब हम बात करेंगे तो वो इस प्रकार से एसएस प्राइस और क्वांटिटी, ऐसी स्थिति में प्राइस ये है क्वांटिटी है, प्राइस 5 है क्वांटिटी 10 है। प्राइस यदि बढ़ेगा 10 हो जाएगा तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये वाला एसएस कर्व है ये पॉजिटिव स्लोप को बता रहा है, दोनों चरों के बीच पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है, और जो डीडी कर्व है ये दोनों चरों के बीच में नेगेटिव रिलेशन को बता रहा है। छात्रों यहां आपको ध्यान रखने की बात है, जो मैंने डीडी लिया है ये मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, और जो मैंने एसएस लिया है ये सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र, इसकी प्रकृति सकारात्मक है इसकी प्रकृति नकारात्मक। और बाजार का नियम ये होता है किसी भी स्थिति में बाजार में जो संतुलन होगा, इक्विलिब्रियम की जो हम बात कर रहे हैं, संतुलन की जो हम बात कर रहे हैं, वो संतुलन कहां होगा, वो संतुलन होगा बाजार में डी बराबर एस, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे वो स्थिति संतुलन की कहलाती है। अब संतुलन का मतलब क्या होता है, क्योंकि संतुलन भी आपके लिए नया शब्द है, संतुलन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति में आ जाना जहां एब्सेंस ऑफ चेंज, जिसमें एब्सेंस ऑफ चेंज की बात की जाएगी, मतलब परिवर्तन की अनुपस्थिति, एक ऐसा पॉइंट जहां जाकर रुक जाए वो दशाएं ठहर जाए रुक जाए, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो परिवर्तन नहीं हो, उसको दोनों पक्ष एक्सेप्ट कर लें स्वीकार कर लें, वो संतुलन होता है। बाजार का संतुलन कब होगा, जब बाजार में किसी पदार्थ की डिमांड मांग और उस पदार्थ की पूर्ति जब आपस में बराबर होंगे तो निश्चित तौर पर संतुलन होगा, और यदि डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होंगे तो फिर असंतुलन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा उसमें असंतुलन हो जाएगा। तो रेखा चित्र में चाहता हूं यहां ई पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इस ई पॉइंट पर दोनों पक्ष डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, और जहां संतुलन हो रहा है और इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस की जो हम बात करेंगे, सामान्य कीमत है वो ओपी के बराबर है, सामान्य कीमत किसके बराबर है, ओपी के बराबर है, और जो सामान्य मांग मात्रा है वो ओपी के बराबर है। कहने का मतलब बाजार में इस कीमत पर आप किसी वस्तु की ये मांग मात्रा क्रय कर रहे हैं। अब ये संतुलन हो गया, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखने की है यहां पर कि ये संतुलन दीर्घकालिक नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के बाद डाइवर्जेशन आता है, इसमें ये विस्तृत हो जाता है, इसमें चेंज हो जाता है। चेंज क्यों आता है, तो बाजार में कुछ ऐसे बल एक ऐसा फोर्स काम करता है डिमांड साइड से, डिमांड का
सप्लाई साइड से सप्लाई का जो फैक्टर है उसको प्रभावित करता है। तो मांग और पूर्ति को जो प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं वो लगातार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, पर उनको करने से मूल स्थिति में जो डिमांड था सप्लाई का दोनों बदल जाते हैं, और जब दोनों बदल जाते हैं तो इसके अंदर चेंज आता है, डायरेक्शन विवर्तित हो जाता है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन इसके डायवर्टिफिकेशन होने के बाद भी कुछ ऐसे बल काम करते हैं वो वापस से इसको सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रित करने कराते हैं और फिर से संतुलन हो जाता है, फिर ये संतुलन बिगड़ जाता है, फिर वापस से कुछ समय के बाद वो बल काम करता है तो वापस से संतुलन हो जाता है। ये प्रक्रिया बाजार के अंदर चलती रहती है। सामान्य तौर पर हम जो वस्तु सेवाओं को बाजार में क्रय करते हैं वो क्रय करने का जो सिद्धांत है वो ये है। अब देखिए छात्रों, यहां मैं आपको इसमें जो डायवर्टिफिकेशन और जो शिफ्टिंग आ रहा है, सेंट्रलाइज हो रहा है, उसको हम किस प्रकार से करते हैं? सप्लाई एक्सेस होने पर क्या होगा, डिमांड एक्सेस होने पर क्या होगा, डिमांड एक्सेस वापस कब सप्लाई के बराबर होगा, सप्लाई एक्सेस कब डिमांड के बराबर होगा, ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया बाजार में होंगी। ये सारी दिशाएं मैं आपको कल के वीडियो में नेक्स्ट डायग्राम बनाकर बताऊंगा। आज के बाद आपको समझना है कि डीडी जो होता है ये डिमांड कब होता है, एसएस जो होता है सप्लाई कब होता है, एसएससी जो प्रकृति है वो धनात्मक होती है सकारात्मक होती है, दो चरों के बीच में सीधे संबंध को बताती है, और जो डीडी है इसकी प्रकृति नकारात्मक होती है जो दो चरों के बीच में इसको बताती है उल्टे संबंध को बताती है। पर बाजार में संतुलन वहां होगा जहां डी बराबर एस, डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होंगे तीन पॉइंट पर, वहां साम्य कीमत संतुलित कीमत संतुलित मांग मात्रा प्राप्त है। इस तरीके से बाजार में हम किसी वस्तु सेवा का कीमत और मात्रा का निर्धारण करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो निर्धारण ही आंसर है, एक समय के बाद ये निर्धारण बदलेगा और बदलकर फिर वो आपका संतुलन पर आएगा। इस प्रक्रिया को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं काफी है, अगले वीडियो में फिर हम क्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।